पुलिस ने फोर व्हीलर गाड़ियों की हेराफेरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपियों के पास से 5 करोड़ रुपए कीमत की 44 गाड़ियां जब्त की हैं। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ कर और भी जानकारी निकाली जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। महू थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कुछ लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल ये आरोपी शौक पूरा करने के लिए फोर व्हीलर मालिकों से संपर्क कर उन्हें 20 से 30 हजार रुपए प्रतिमाह में गाड़ी अटैच करने का लालच देते हैं। गाड़ी मिलने के बाद वह फर्जी दस्तावेज तैयार कर कम रुपयों में अन्य व्यक्तियों को गिरवी रख अपने शौक पूरे करते थे। पुलिस ने इस मामले में देवेंद्र ठाकुर, श्याम सुनेर, दीपक रघुवंशी और रितेश रघुवंशी को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ कर और भी जानकारी निकाली जा रही है। जब ये सूचना थाना प्रभारी को आई, थाना प्रभारी ने एडिशनल एसपी मऊ श्री पुलिस गहलोत और एसडीओपी मऊ श्री विनोद शर्मा की जानकारी मिलाए और इन तीनों के द्वारा संयुक्त प्रयासों से थाना प्रभारी मऊ श्री दिलीप पुरी और उनकी टीम के द्वारा जब सुरेंद्र ठाकुर को पकड़ा गया और गाड़ियों के बारे में पूछताछ किया गया तो जो जानकारी आई वो बड़ी आश्चर्यजनक थी। हमारे पास इनिशियली 2 फरियादी थे, परंतु जब सुरेंद्र ठाकुर को बुलाकर पुलिस ने गाड़ियों के बारे में पूछताछ की तो उसकी निशादेही से अभी तक पुलिस ने जहां जहां उसने गिरवी रखी थी 44 गाड़ियां, जिसमें हर कंपनी की, हर ब्रांड की 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए से लेकर 10-12 लाख रुपए तक की गाड़ी है, वो इसके कब्जे से बरामद की। अभी तक 44 प्रजातियों में से 43 हमारे सामने उपस्थित है। उम्मीद है कि जब ये आप सबके माध्यम से मार्केट में जाएगी तो कुछ फरियादी और आ सकती है। सुरेंद्र ठाकुर के साथ में उसके साथ साथ उसके 3 अन्य साथी श्याम सुनेरे, दीपक रघुवंशी व रितेश वर्मा भी इस आपराधिक कृत्य में शामिल थे, जिनकी मोडस ऑपरेंडी थी कि ये पहले संपर्क करते फर्जी कागज बनाकर इन गाड़ियों को अपनी बनाकर आसपास के क्षेत्र में उनको बेच दिया या गिरवी रख दिया। इस प्रकार से देवेंद्र ठाकुर, जो मूल अपराधी है वो देवेंद्र ठाकुर तथा उसके साथियों ने कम से कम 2 करोड़ रुपए से ज्यादा मार्केट में इस प्रकार की गाड़ियों को गिरवी रख के उसको अपनी अय्याशी में उड़ा दिया, अभी तक ऐसा पता लगा है। और उम्मीद है जब ये समाचार पब्लिक में जाएगा, जनता के बीच में जाएगा, तब और बहुत सारे फरियादी भी सामने आ सकते हैं। इस उल्लेखनीय सफलता के लिए इस पूरी टीम को मेरे स्तर से 10,000 रुपए के नगद इनाम की। इधर कीर्ति शर्मा ने बताया कि किस प्रकार उनके साथ बदमाशों ने ठगी की। सर, हमने गाड़ी अटैच की थी इनके साथ फरवरी में, तो पेमेंट नहीं मिल रही थी हमें, तो हमने फिर इनको कहा था पेमेंट नहीं रही तो रोज़ बहाने मारते थे और डेट दे देते थे 10 दिन बाद 1 हफ्ते की चेंज कर करके। फिर हमने कहा कि हमारे को आप गाड़ी हमारे पास दे दीजिए, हमें नहीं लगवानी है क्योंकि हमें पेमेंट भी नहीं आ रही और गाड़ी भी नहीं मिली। तो उन्होंने फिर हमारे को लास्ट डेट दी तो कहने लगे आप इस दिन आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो हम लोग इनके घर गए तो इनकी मदर ने बोला कि वो 3 दिन से गायब है, क्योंकि इन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था। उनकी मदर ने कहा किसको दी थी आपने गाड़ी? देवेंद्र ठाकुर जी। कितना किराया थे वो? 22,000। आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग इनके घर गए थे जब इन्होंने लास्ट में पेमेंट नहीं दी और गाड़ी इन्होंने कहा था कि हम आपके घर में आके दे जाएंगे, हैंड ओवर कर देंगे, आपकी जितनी भी बैलेंस वो है पैसे हैं अमाउंट है वो भी और गाड़ी दोनों आपको हम हैंड ओवर कर जाएंगे। जब ये नहीं आए तो हम इनके घर गए तो इनकी मम्मी मिली, उन्होंने कहा कि ये 3 दिन से गायब है, हमारा लेना देना नहीं, आप FIR करवाइए। तो हम यहाँ थाने में आए थे फिर तो यहाँ पे किया तो तब पता लगा इन्होंने यहाँ पे ऐसा स्कैम किया, और भी लोग आए हुए थे फिर यहाँ आवेदन देने।
अब आपको कैसा लग रहा है पुलिस ने आपकी गाड़ी रोक ली है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, दो दिन के अंदर हमारी गाड़ी भी हमें मिल गई है, हमारा बहुत बहुत है क्योंकि दो दिन में हमारी गाड़ी बिल्कुल सही सलामत हमें मिल गई। देखा जाए तो महू पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एमपी न्यूज के लिए लोकेश राठौर की रिपोर्ट।